السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة او كما قال عليه الصلاة والسلام: हर तरह की तारीफ़ और हमदोसना अल्लाह व वतर के लायक है जिसका कोई शरीक नहीं जिसका कोई साझी और हमसर नहीं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा लाखों दरुद सलाम नाजिल हों हम सब के प्यारे आका प्यारे हबीब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके तमाम सहाबा और अहल बैत पर महतरम हजरत जिस मजहब इस्लाम के हम पैरोकार हैं इस मजहब की एक खसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये मज़ब इस्लाम सरापा अतदाल का हुक्म देता है अतदाल यानी दरमियानी रास्ता म्याा रवि इस्लाम के जितने अहकाम हैं अगर हम उसमें गौर करें तो ये बात साफ़ तौर से नज़र आती है कि इस्लाम ने न बहुत ज़्यादा नरमी का हुक्म दिया न बहुत ज़्यादा सख्ती का हुम दिया बल्कि इस्लाम के अहकाम दरमिनी हैं और म्यां रवि हैं मिसाल के तौर पर हमको अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा फरमाया लेकिन हम देखें इस्लाम का अतदाल इस्लाम ये भी नहीं कहता नज़बिल्ला के इबादत ना करो सिर्फ़ दुनिया और दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहो मशग़ूल रहो हरगिज़ नहीं इबादत करना है फ़र्ज़ है फिर इस्लाम ये भी नहीं कहता कि सिर्फ़ इबादत ही में मसरूफ़ रहो और इतने मसरूफ़ हो जाओ इबादत में कि जो तुम्हारी दीगर दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ हैं रोज़ी रोटी कमाना अहलोयाल की फ़िक्र करना उन सब को छोड़ दो सिर्फ़ इबादत में अजकार में तिलावतों में सारे दिनों रात को गुजारो इस्लाम इसका भी हुम नहीं देता बल्कि दोनों के दरमियान इस्लाम के अहकाम हैं कि जब फ़राइज का और इबादत का वक्त हो जाए तो आ जाओ इबादत की तरफ और पूरे खुशु और खुशो के साथ इबादत करो फ़राइज़ अदा करो सुन्नतें पढ़ो कुछ मुस्तहबात कुछ तिलावतें करनी हैं वो करो फिर उसके बाद निकल जाओ और अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हो जाओ फिर जब वक्त आए इबादत का फ़राइज़ का फिर मुतवज्जे हो जाओ तो ये अतदाल के साथ अल्लाह ताला ने हमें दुनिया कमाने का भी हुक्म दिया और अपनी इबादत का भी हुक्म दिया इसी तरीक़े से मिसाल के तौर पे हुक्म है औलाद की तरबियत तो इस्लाम ये भी नहीं कहता कि तुम औलाद की तरबियत इतनी नरमी से करो कि वो जितनी बड़ी से बड़ी शरारतें करें तुम खामोश तमाशाई बने रहो तुम कुछ न कहो सारी आज़ादियाँ दे दो यकीनन ये औलाद कल होकर के बहुत बड़ा बर्बादी का पेश ख़ीमा बनेगी और दूसरी तरफ इस्लाम ये भी नहीं कहता कि औलाद के पीछे इतने पड़ जाओ कि हर मामूली सी मामूली गलती पर बड़ी से बड़ी सख्तियाँ कर जाओ मार पीट से काम लो सब्बोशितम करो ये भी हुक्म नहीं देता इस्लाम दरमियानी हुक्कम देता है कि कभी नज़रअंदाज और ज़रा गड़ गलती बड़ी है तो थोड़ा सा सख्ती थोड़ी सी सरजनिश इस तरीके से अतदाल के साथ लेके चलो ये मिसालें आप हज़रा के सामने रखी गई वरना सारे अहकाम इस्लाम के बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हैं कि न उसमें नरमी है और न सख्ती है बिल्कुल दरमिया हुकुम अल्लाह तबारक ताली ने इस्लाम में दिया है उसी तरीक़े से एक बहुत बड़ा जिम्मेदाराना काम है कि कमाई हुई दौलत को ख़र्च करना इसमें भी इस्लाम ने बड़े तरीक़े सिखाए हैं और उस तरीक़े को ख़ुलासे के तौर पे यही कहा जा सकता है कि इस्लाम ने इसमें भी बड़े अहतदाल का हुक्म दिया कि ये कमाई हुई दौलत बड़े अहतदाल से ख़र्च करो ये भी इस्लाम नहीं करता कहता कि ख़र्च ही ना करो अपने हाथों को रोक लो बखीली से काम लो बल्कि इस्लाम इसकी मजम्मत करता है कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाला यह सबन या बखलूना बीमा आता होमल्ला होमफज्लि हुआ ख़ैरलहुम बल हुआ शरुलम कि जो लोग अल्लाह की दी हुई दौलत में बखीली सी काम लेते हैं अपने हाथों को नहीं खोलते वो ये ना समझें कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं बड़ा खैर है नहीं बड़ा शर है उनके लिए बड़ा अजाब है उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी तो अल्लाह ताला ने बाकायदा मजम्मत फरमाई उन लोगों की जो हाथ खोलते ही नहीं है वकीली से काम लेते हैं और दूसरी तरफ जो हद से ज़्यादा खर्च कर दे बैठते हैं जिसे कहा जाता है फजूल खर्ची इसराफ उसकी भी अल्लाह ताला ने मज़म्मत फरमाई सुर आराफ़ में अल्लाह ने फरमाया वुलू व शरबु वाला तश्रिफु अल्लाह की दी हुई दौलत के ज़रिए खाओ और पियो लेकिन याद रखना अतदाल से बाहर न निकलो हद अतदाल को तजावुज़ न करो इसफ न करो फज़ूल खर्ची से काम न लो इन् नहूलाुहिब्बुलमसरफ़ी बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करते बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फ़रमाया कि जिसे खर्च करने में अतदाल का तरीक़ा आ गया फ़ान्नऊ निसफुलमाशत आधी कमाई उसको यहीं से हो गई आदमी मेहनत करता है कमाता है उसकी जहाँ से भी जरिए आमदनी होगी जहाँ से भी कमा रहा होगा वो कमा रहा है खर्च करने में अगर उसे उसदाल का तरीक़ा मिल गया कि मैं कैसे खर्च करूँ अगर वो फजूल खर्ची से बचा लिया अपने आप को तो आधी कमाई उसकी यहाँ हो रही है यानी आधी बचत यहाँ हो रही है उसकी ये तरीका दुनिया का कोई मजहब नहीं बताता दुनिया की कोई पैसे कमाने वाली कंपनियां और जितने भी ये सारे आज के ज़माने में पैदा हो गई हैं पॉलिसियाँ ये तरीक़ा कोई नहीं बताता सब कमाने के तरीके बताने बैठे हैं खर्च करने का तरीक़ा कोई नहीं बताता इस्लाम है जो ख़र्च करने का तरीक़ा भी बताता है कि वहाँ भी हद अतदाल से बाहर न निकलो अहतदाल में ख़र्च करो अब फजूल खर्ची दो तरह की होती है और दोनों का जिक्र अल्लाह ताली ने क़ुरान में फरमाया है एक फजूल खर्ची वो है आदमी हलाल जगह खर्च कर रहा है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहा है रियाकारी के लिए नामो नमूद के लिए मिसाल के तौर पे लिबास पहनना लिबास ख़रीदना ये हलाल है इसका हुक्म है कि तुम लिबास पहनो अपने सतर को छुपाओ आदमी अपनी भूख मिटाता है खाना वगैरह खाकर ये हलाल है बल्कि अल्लाह का हुक्म है कुलू व शरबु खाओ और पियो इन हलाल जगहों में इन हलाल मकाम पर हद से ज़्यादा ख़र्च कर बैठना कि एक हद तक वो अपने लिबास को खरीद सकता था एक हद एक एक मकदार के पैसों में लेकिन उससे दस गुना जायद पैसे लगाया ताकि मेरी तारीफ हो ताकि मेरे लिबास का दिखावा हो लोगों के सामने और झूठी शान जाहिर हो मेरी तो ये है इसराफ इसे कहते हैं हलाल जगह हद से ज़्यादा खर्च कर देना इसके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि यह हराम है ये ला अल्लाह ऐसे इसराफ करने वालों को हद से ज़्यादा ख़र्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाते दूसरी फजूल खर्ची कहलाती है कि सिरे से हराम जगह पर ख़र्च कर देना चाहे एक रुपया क्यों ना खर्च किया हो हराम जगह पे वो एक रुपया भी फजूल खर्ची में आएगा और वो हराम कहलाएगा मिसाल के तौर पे शराब नोशी एक मिसाल फर्ज कीजिए कि शराब एक आदमी सौ रुपये या पचास रुपये की ही पी रहा है तो पचास सौ रुपये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है लेकिन यह फजूल खर्ची है क्योंकि यह बिल्कुल हराम जगह पे खर्च कर रहा है गाने बजाने में कोई आदमी पैसे लगा रहा है चाहे कम से कम लगाया होगा उसकी अकल के मुताबिक लेकिन फिर भी एक एक रुपया उसका हराम है तो ये फ़ूल ख़र्ची दोनों तरह की ये दूसरे नंबर की जो फ़ूल ख़र्ची है इसे क़ुरान की ज़बान में तबजीर कहा गया और अल्लाह ने फरमाया इन नलमुबरीन अकान इखवान शयातिन के जो ये वाली फ़ूल ख़र्ची कर रहे हैं हराम जगहों में अपनी दौलत को ख़र्च कर रहे हैं ये शयातिन के भाई हैं वा शैतान रबी ही कफूरा और शैतान अपने रब का ना शुक्र है तो मतलब जो बड़े भाई की की सिफत है वही सिफत छोटे भाई की कि ऐसे लोग भी पूरी ज़िंदगी रब के ना शुकर बन के ज़िंदगी गुजारते हैं फजूल खर्ची ये दोनों तरह की हमारे सामने आ गई एक तो हलाल मकाम पे हद से ज़्यादा खर्च करना और दूसरा एक ही रुपया खर्च किया हो लेकिन हराम जगह पे ये दोनों तरह की फजूल खर्ची अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी है बिल्कुल साफ़ अल्फाज में फजूल ख़र्ची के नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान ये है अल्लाह तबारक उस कौम को माशी एतबार से खोखला बना देते हैं कमज़ोर कर देते हैं जिस कौम के अंदर फ़जूल खर्ची की आदत पड़ जाती है और ये इतनी खुली हुई बात है कि हम तारीख़ का कोई भी वर्क़ उठाएं ये चीज़ साफ़ तौर पर नज़र आएगी फिर ऑन कहाँ चला गया कारून की दौलत कहाँ चली गई बड़े बड़े दुनिया के मालदार तरीन लोग कैसर किसरा का डंका बजता था दुनिया के अंदर कहाँ है वो दौलत किधर चली गई इन सब के पीछे ये है उनकी अयाशियाँ उनकी फजूल खर्चियाँ उनका इसराफ उनकी तबजीर उनको तहस नहस करके रख दिया तबाह बर्बाद करके रख दिया कौम कितने बड़े भी अहदे पर फाइज हो कौम का कितना भी डंका बज रहा हो लेकिन उस कौम ने अगर अपने आने वाली नस्लों को पैसे खर्च करने के तरीके ना बताए का सबक न सिखाया तो आने वाली नस्लें तारीख का हर वर्क बताता है आने वाली नस्लें अपने पुरखों की छोड़ी हुई दौलत पे अयाशियां करती हैं अपनी अजदाद की छोड़ी हुई दौलत पर इसराफ और ऐसी फजूल खर्ची करती हैं कि अल्लाह की पना नतीजा यह हो होता है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीनें खिसकती हैं जिस तख्तो ताज के उनके पुरखे मालिक थे उनके सामने से खींच लिया जाता है और वो देखती रह जाती हैं। इस मुल्क की तारीख़ का हम एक एक वरक़ उठाकर देखें तो यह चीज़ साफ़ तौर पे नज़र आएगी कि जब मुग़लों की औलादों ने अयाशियाँ शुरू की बावजूद यह कि इनके पुरखे ताजमहल और लाल किले न जाने क्या क्या बना के रख दिए लेकिन अल्लाह ने ज़रा भी देर नहीं की इनके हाथों से शहनशाहत छीनने में तख्त तो ताज छीनने में और छीन कर एक ऐसी कौम के हवाले कर दिया जो कौम फरमा नहीं थी जो इताद करने वाली नहीं थी जो माहिद नहीं थी लेकिन ये अल्लाह करते हैं कि जब कौमें अल्लाह की दी हुई दौलत पे अयाशियाँ करने लगती हैं ना, नाम नाम व नमूद के लिए दिखावा करने लगती हैं तो फिर अल्लाह भी अपना फ़ैसला तब्दील करने में देर देर नहीं करते इस वक्त जो बात करनी है साफ तौर पे खुलासे के तौर पे वो ये कि इस वक्त बड़ा अलमिया है हमारा भी और आपका भी और पूरी मुस्लिम कौम का कि इस वक्त हमारी जो निका और वलीमे की तकरीबत हैं हमारी फजूल खर्ची का मरक़ बनी हुई हैं हमारी फजूल बल्कि अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि निकाह एक इबादत वलीमा एक इबादत है हम कुछ इस तरीके से फजूल खर्चियों के जरिए निकाह और वलीमा कर रहे हैं वो इबादत ढूंढने में भी नज़र नहीं आती हाँ नुमाइश ज़रूर नज़र आती है एक तमाशा ज़रूर नज़र आता है एक दुनिया का मेला ज़रूर नज़र आता है लेकिन कहीं इबादत कोई सादगी उसके अंदर नज़र नहीं आती और ये इतनी ये ये फजूल खर्चियों का ये जुनून इतना सर चढ़ के बोल रहा है इस वक्त कि शहर के बड़े मा ने बड़े तंजीमी इदारों ने और बड़े मदारिस ने और उनके मुफ्तिया ने कराम ने और समाज के बड़े संजीदा अफराद ने मिलकर मुतहदा तौर पर यह मुहिम चलाई शहर में कि सारे के सारे लोग अपने अपनी हद तक लोगों को समझाएँ कि शादियों में ये फजूल खर्चियाँ हमारा आने वाला कल तबाह बर्बाद करने वाली हैं हमारी आने वाली नस्लें वो दिन देखेंगी जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि माजी में हो चुका है जब हमने ऐसी फजूल खर्चियाँ की तो ऐसा अजाब आया अल्लाह का पोलिस सेक्शन की शक्ल में हम पढ़ लें अपनी तारीख फिर उसके बाद हम बिल्कुल सीधी राह पर थे पोलिस सेक्शन के बाद जो शादियां होती थी तारीख़ की किताबों में लिखा है और बड़ी उम्र के अफराद शायद अभी ज़िंदा हो उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी होगा कि सिर्फ एक चाय और एक बिस्किट पे निकाह होता था अल्हम्दुलिल्लाह और सीधा साधा दिन में एक वक्त का कोई खाना होता था और बुलाकर मेहमानों को खिला दिया जाता वलीमा हो जाया करता था अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जूं जूं वक्त आगे बढ़ता चला गया शैतान ने फिर वो काम किया आज हम फिर उसी पुरानी डगर पर आ गए अगर हम कुरान और हदीस की नज़र से और तारीख़ के औरक़ की नज़र से देखें तो डर लगता है कल आने वाला कुछ और ना लेकर आ जाए अल्लाह से ज़्यादा बर्दाश्त की क़वत किसी के अंदर नहीं है अल्लाह इतने बड़े था बर्दाश्त की अल्लाह के पास सलाहियत है लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है एक हद होती है जब मामला हद से आगे बढ़ने लगे तो फिर जरूरत पड़ती है कि जरा उसके खिलाफ बोला जाए वो इस्लाह की हवा चलाई जाए लोगों को समझाया जाए लिहाजा मुतहदा तौर पर यह आवाज़ और यह मुहिम चलाई जा रही है कि समझाया जाए कि यह हराम है अपनी शादियों में सादगी लाई जाए और फजूल खर्चियों से बचाया जाए अपने आप को और अपनी शादियों को अगर समझ जाए तो अलहदुल्ला लेकिन कोई अफराद खानदान या कोई शख्स ना समझने को तैयार हो वो उसी तरह फजूल खर्चिया करना चाह रहा है अपनी शादी में या अपने औलाद की शादी में तो साफ तौर पे बाईकाट किया जाए साफ तौर पे बाईकाट किया जाए यकीन जानिए इस बाईकाट का सवाब मिलेगा क्योंकि आने वाले कल जो आजाब का डर है उसे रोकने की जो भी शक्ल हो चाहे बाइकाट की शक्ल में हो अगर की जाए तो अल्लाह उस पर सवाब देंगे मुंह पर मार दी जाए ऐसी दावत कि जिस दावत में मेरे मेरे प्यारे हबीब की सुन्नत का मजाक हो मेरे प्यारे हबीब की तालीमत का मजाक हो मेरे प्यारे अल्लाह की तालीमत और अहकाम की बगावत हो यह दावत तेरे मुंह पर मारते हैं हम तू जा तू नाच ले तू गा ले तू नचवा ले अपनी औलाद से अपनी शादी खानों में तू पढ़ अल्लाह के आजाम में तू जा जहन्नम के गड़े में हमें नहीं जाना हमें कोई मतलब नहीं ऐसी दावतों से और ऐसे जो है नाच गानों से हमारी शादियों में हमारे वलीमों में दोनों तरह की फसूल खर्ची है एक तो हलाल जगह हद से ज्यादा खर्च कर देते हैं हम वलीमा हलाल है मसनून है बेशक खाओ और खिलाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल रहमान इबन औफ रदी अल्लाह तआला अन से फरमाया था उनके निकाह के बाद अवलिम वलौ बिशातिन अब्दुल रहमान अब वलीमा करो अगर अगरचे एक बकरी ही क्यों न नज़ब्रा करनी पड़े खिलाओ खाओ और खिलाओ खुशियों में लोगों को शरीक करो बेशक ये हलाल है इसे करना है लेकिन ये क्या कि हद से ज़्यादा आगे निकल रहे हैं हम सिर्फ चार पाँच घंटे हमें शादी खाने में गुजारने हैं उसके लिए चार चार लाख का शादी खाना खाना पांच पांच लाख का शादी खाना ये किसके पैसे दे रहे हैं? हम खाली दरो दीवार के लाइटों के भी पैसे नहीं है जो रोशनी उसके पैसे अलग हैं जो टेबल पे खाएंगे मेहमान उन खानों के पैसे अलग हैं खाली दरो दीवार के चार पांच घंटे के हम चार पांच लाख रुपये दे रहे हैं न जाने कौन से नवाब आसिफुद्दौला की औलाद है हम किसी की औलाद नहीं है हम इतने पसमानदा हैं हमारे लीडरान ऐवानों के अंदर रो रहे हैं मुस्लिम कौम पसमानदा है तहफात दो रिजर्वेशन दियो इन्हें तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दियो मुस्लिम कौम के नौजवान बेरोजगार हैं हैंमा रो रहे हैं तंजीमों के रहनुमा रो रहे हैं ऐवानों के अंदर हमारे कायदीन रो रहे हैं रो रो के भीख मांग रहे हैं कौम के लिए इन्हें दो तहफात और कौम का हाल यह है कोई आकर अगर हमारे शादी खानों को देख ले हमारे वलीमों को देख ले कहेगा कि कसम खुदा की झूठ बोल रहे हैं इनके कायदी जो कौम पसमानदा होती है वो चार चार पांच पांच लाख रुपए खर्च करती है चार पांच घंटों के लिए जो قوم जिस قوم की, जिस, जो जिस जिस की तालीम में दलितों से भी गई गुजरी हो इतने पीछे हो तालीम में उसका कोई मकाम ना हो वो कौम अपने रुपये पैसे इस तरह आतिशबाजी में बहाती है गाने बजाने में बहाती है वो कौन झूठ बोल रहे हैं इनके कायदीन हर कोई देखने वाला यह कहिएगा लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कौम की हालत बहुत बदतर है और बदतर से बदतर होती चली जा रही है बड़ी साजिश के साथ इकतसादी और माशी एतबार से शिकंजा कसा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि ये लोग बिल्कुल कुड़ के रह जाएं और इनकी माशी कोई हवा ना हो माँ दुनिया के बाजारों के अंदर मुल्क के बाजारों के अंदर एक बड़ी साजिश हो रही है और पहले ही पसमानदा ये कौम उस पर मजीद ये कि ये हालत है शादी खानों में तीन तीन चार चार घंटे के लिए चार लाख पाँच लाख रुपए उड़ा देते हैं और यहां थोड़ा सा कहना है उन लोगों से जो रईस हैं जो दौलतमंद हैं जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है याद रखें कुरान में अल्लाह ने फरमाया फी मिन इल्ला काल मा अरसनाफी करियत नज़ीरिन अल्ला कल मुतरफा इन्ना बिमा उ तुम भी ही काफिरून जब भी हमने किसी बस्ती में अपने रसूल या नबी को भेजा उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले उस बस्ती के मालदार लोग इल्ला काल मुतरफूह तफसीर कोई भी पढ़ सकता है सूर सबा की आयत है पारे बाइस में सबसे पहले दौलतमंद लोगों का गुरूर सर चढ़ के बोलता है सबसे पहले बगावत शरीयत के खिलाफ मालदार करते हैं सारे मालदार नहीं इनमें बहुत अच्छे भी होते हैं जिनकी वजह से आज बहुत कुछ चल रहा है इस्लाम का निज़ाम लेकिन जब माशरे में कोई गलत तरीका ऐजाद होता है ऐजाद करने वाले मालदार होते हैं साफ अल्फाज में कुरान ने कहा सबसे पहले दौलतमंद लोग आगे आते हैं रसूल की तालीम के खिलाफ तरह तरह के रस्म व रिवाज पैदा करते हैं तरह तरह के अपने नामो नमूद अपनी नुमाइश के लिए यह बता के लिए मैं हूं दौलतमंद मेरी है हवा मैं ही हूं महल तरह तरह के रस्मों जो रिवाज वो एजाद करते हैं और जब एजाद हो जाती है कोई रसम तो फिर तबके का भी उसमें शामिल होता है गरीब भी उसमें शामिल होता है चाहे वो अपने आप को सूदी कर्ज में डुबा दे सूदी कर्ज ले लेकर वो नामो नमूद के लिए वो काम करता है क्योंकि रिवाज जब कोई चीज रिवाज पा जाती है जब वो रसम की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो फिर हर कोई उसमें डूबता है मगर सबसे पहला उसमें डुबाने वाला महल्ले का मालदार होता है शहर के मालदार लोग होते हैं दौलतमंद लोग जो रईस और रईस ज्यादा हैं उनसे गुजारिश है खुदा के लिए थोड़ा सा कौम पर रहम करो मिल्लत पर रहम करो मजीद और कोई रस्म व रिवाज ऐजाद न करो और ज्यादा ये ढोल ताशे वाली बारात वगैरह मत निकालो कौम का बड़ा बुरा हाल है कसम पुरसी में गुजर रही है कौम इस वक्त मुल्क के अंदर माशी एतबार से वो मार पड़ी है मुसलमानों के ऊपर कि हम इसका तसवुर नहीं कर सकते और दूसरी तरफ हम हमारे जिन, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वह बजाय इसके कि इस दौलत से कोई तामीरी काम करते इस तरह रुपया और पैसा हराम कामों में बहा रहे हैं एक जवाब जो आता है अक्सर मालदारों की औलाद की तरफ से कि हमने गरीब बच्चियों की भी शादियां कराई हैं हमने फ़लाँ यतीम खाने में भी पैसे दिए हैं हम फलाँ मदरसे को भी देते हैं पैसे अल्हम्दुलिल्लाह तो कहाँ से ये साबित हो गया कि अगर आप इतने ख़ैर के काम कर रहे हैं तो ये हराम काम की इजाज़त मिल रही है ये तो कहीं से भी साबित नहीं है जब उनसे कहा जाता है कि इन पैसों से तुम गरीब बच्ची की शादी करा सकते थे तो वो कहते हैं वो हम करा दिए बहुत अच्छा किया तुमने कराया अल्लाह और तोफीक दे लेकिन उस कराने की वजह से ये इजाजत तो नहीं मिली कि अब तुम हराम काम कर सकते हो अब तुम अपनी बारात में आतिशबाजियां कर सकते हो अब तुम तीन से चार किस्म के बाजे रख सकते हो अब तुम पाँच छह लाख का शादी खाना किराए पर ले सकते हो इसकी इजाजत कहां से मिली इसकी इजाजत तो नहीं मिल सकती चाहे तुम छह सौ बच्चियों की शादियां करा दो वो खैर अपनी जगह है लेकिन कहीं कहीं तुम्हारी कमाई में कुछ गलत है जिसकी वजह से अभी भी पैसा आराम काम में लग रहा है इसीलिए अपनी कमाई का मुहासबा करो यह धोस मत जमाओ यह एहसान मत जतलाओ हम गरीबों को भी देते हैं हम मदरसों को भी देते हैं किसी पर एहसान नहीं करते तुम न दोगे और होंगे देने वाले अलहमदुल्ला काम दीन का अल्लाह चला रहा है कोई मालदार नहीं चला रहा साफ सीधे अल्फाज में अल्लाह का शुक्र अदा करे मालदार अगर उसकी जेब से पैसे जा रहे गरीब के पास मदरसे के पास यतीम खाने के पास किसी गरीब बच्ची की शादी में अल्लाह का शुक्र अदा करे एहसान उसका नहीं है एहसान अल्लाह तबारक की जात का है ये एहसान मत जतलाओ खुदा के लिए बस खुदा के लिए तरस खाओ कौम के ऊपर तो कौम के मालदारों से और उनके रईस ज्यादा उनकी औलादों से गुजारिश है खुदा के लिए रहम खाओ अल्लाह और उसके रसूल से डरो अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है उससे डरो खौफ खाओ, खाओ और ऐसी शादियां ना करो इस तरह के जो है फजूल खर्चियां शादियों में और निकाह में ना करो उम्मत पहले ही बहुत पिट चुकी है बहुत नीचे जा चुकी है इसे और नीचे जाने न दो और दूसरा काम जो होता है फजूल खर्ची का शादियों में वो ये कि सिरे से हराम में ही सारे पैसे लगते हैं और वो है नाच गाने की महफिलें पूरा का पूरा बारात जाती है घर से लेकर शादी खाने तक और सारे राह राहगीरों को तकलीफ जिस घर से गुजर रही है उस घर वालों को तकलीफ घर में शईफ़ों को तकलीफ बीमारों को तकलीफ बच्चों को तकलीफ और शादी खाने में बैठे हुए मुंतजिर मेहमानों को तकलीफ नौशा जो है बादश बारात के साथ आतिशबाजियों के साथ सारे हराम काम करते हुए शादी खाना पहुंच रहा है ग्यारह ग्यारह बजे रात में साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे रात में हालत यह हो चुकी है यानी यह हमारी खुराफा हमारा सर चढ़ के बोल रहा है न जाने हम और कितना बिगड़ेंगे एक हद होती है लेकिन हम सारी हदों को पार कर रहे हैं और इन सबसे बड़ा हराम तो ये है कि न जाने कौन सा कानून का खजाना आ जाता है इन रईस ज़ादों के पास के बारात में नोट उड़ाते हैं ये काम तो शहीनशाहों की औलाद ने भी नहीं किया जिसने ताजमहल बनाया उसकी औलाद में भी उसकी औलादों ने अयाशियां की हैं उनकी आने वाली नस्लों ने लेकिन यह काम तो उन्होंने भी नहीं किया यह कौन सा काम कर रहे हैं कह रहे हैं हमारे पास है अल्लाह का दिया हुआ है अल्लाह जिस तरह देना चाहते हैं जा, जानते हैं उस तरह छीनना भी जानते हैं कौन कह रहा है कि मुगल खत्म हो गए मुगलों की नस्लें कलकत्ता के शहर में आज भी मौजूद हैं जाकर कोई देखना चाहे तो जाकर देख ले बंद गलियों के अंदर और बिल्कुल कसम कुर्सी के आलम में टूटे हुए छप्परों के घरों में वो रह रहे हैं जिनके पुरखों ने ताजमहल बनाया जिनके पुरखों ने लाल किला बनाया आज उनकी नस्लें इस तरह जिंदगी गुजार रही हैं क्यों चली गई सारी दौलत कहां चली गई वो शहीन शाहीत उनके आने वाली औलादों की ये फजूल खर्चियाँ जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया और आज उनकी नस्लें इस तरीके से बंद गली में कसम बुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रही हैं अगर आने वाली नस्लों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो ऐसे नौजवानों के वालदान और उनके बड़ों की जिम्मेदारी है उनका हाथ पकड़ें उन्हें रोकें उन्हें बताएं कि ये एक एक नोट जो तुम उड़ा रहे हो ये हराम काम कर रहे हो इसकी नहूसत बहुत देर तक पड़ेगी तुम्हारी नस्लों में और बहुत दूर तक तुम्हारी नस्लें इसकी सजा भुगत सकती हैं इसीलिए खुदा के लिए ये झूठी शान मत बताएं ये चार चार घंटे के लिए इतने इतने महंगे महंगे शादी खाने इतने सारे ये 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 गाने ये बजाने ये पैसे उड़ाना ये सब हराम और इबलीस वाला काम है और इन कामों की वजह से आज कौम बहुत ही कसमी के आलम में गुजर रही है इस वक्त अगर हम शहर के दारुल कजा में चले जाएं, गुजारिश है कि कभी अगर छुट्टी हो तो एक एक दौरा कर लें जितने शहर में दारुल दारुलजाएं आठ दस में यही रोना रो रहे हैं सारे काजी कि सुबह से लेकर शाम तक खाली तलाक के किस्से खुला के किस्से तलाक के वाकयात खुला के वाकयात नए नई शादियां हुई हैं अभी और जोड़े आके खड़े हो गए हम नहीं रह सकते एक साथ खुला करा दीजिए हम तलाक देना चाहते हैं कह रहे हैं कि कहीं ये अल्लाह का अजाब तो नहीं कि शादियां इतनी शैतान तरीके से कर रहे हैं हम जिसमें दूर दूर तक नबी की सुनत नजर नहीं आती कहीं ये उसी का तो अहब नहीं कि इतनी बेबरकत बेबरकत कती तो दूर इतनी नहुसत जिंदगी में कि अभी चंद महीने गुजरे चंद हफ्ते गुजरे चंद दिन गुजरे और ये आपस में मिलजुल के रह नहीं पा रहे वो मोहब्बत जिसे जिसे बरकत बरकत बताया बताया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ने वो वो रहमत अल्लाह ताला ना है ना वो रहमत है जिंदगियों के अंदर क्योंकि वो रहमत और बरकतें उतरने का जब वक्त था निकाह का और वलीमे का हमें नाचने गाने से फुर्सत नहीं थी हमें जानवरों की तरह आतिशबाजियां करने से फुर्सत नहीं थी नतीजा हुआ वो रहमत और बरकतें बरकते बरकतों ने अपना मुंह मोड़ लिया अब बची रह गई नहुसतें अब बची रह गई बेबरकतें अब बचा रह गया अल्लाह का आजाब जो इस शक्ल में आ रहा है के सिर्फ खुला के तलाक के बड़ा है प्यारे नबी फरमाया कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है यह कोई मामूली बात नहीं है और बड़े आराम से यह काम हर रोज हर सुबह शाम हो रहा है शायद कि ये अल्लाह का अजाब हो इस वजह से कि हमने इब्तदा ही गलत की हमारा निकाह और वलीमे की तकरीबा ही गलत हुई जरूरत इस बात की है खुदा के लिए सादगी ले आए हम ये नामो नमूद छोड़ें ये झूठी नुमाइश छोड़ें सारे लोग जानते हैं कौन कितने पानी में है सूदी कर्ज लेके बड़े बड़े शादी खाने लेके शादियां करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता सब समझते हैं कौन कितने में है और क्या कर रहा है पीछे से और कैसी झूठी शान जाहिर कर रहा है सबको मालूम है ये झूठी शान जाहिर करने से अच्छा है अल्लाह उसके रसूल को खुश करें उसको राजी करें सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह और वलीमे की तकरीबात मुनद करें इन जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी बरकतें महसूस करेंगे वो नौजवान जिन्होंने से शादियाँ की हैं यहाँ खड़े होकर उनके लिए दुआ है उनको। उनके आने वाली नस्लों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा और जिनसे गलतियां हो गई हैं उन्हें तोबा करने की तोहफी फरमाए और जिनकी शादियां होने वाली हैं उनको अपनी औकात में रहकर सुन्नत के मुताबिक